คนไข้เปรี้ยวตัวเลยเนี่ยแค่ใส่อุจจาระคู่แม่ทำไมก็เหมือนช่องห้อยในอุจจาระโพก็ได้อื่นเนี่ยประเทศโอ้ไปในฮันดับบางแห่งเป็นยังไงเด้อไอ้ยาจุกว่าแล้วตัดคิวคนยังอะไรครับเราหนูเยอะนะเจเฮราเซบเลยดูมาสเตอร์มาสตำรวจเนี่ยใครไปก่อนเลยพี่มาสเตอร์เบลูนมาสโอ้โหมาอีกน้ำเออเดบิวต์นะเดบิวต लंगी जाल मारने वाला नहीं है क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आजकल यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। नदी भी पूरा भर गया है और अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रुका हुआ है मौसम, देख सकते हैं बारिश फिलहाल नहीं दे रहा है। और यहाँ में हम लोग का घर से नदी का पूरा आवाज़ आता है, पूरा लाऊ लाऊ करके। और यहाँ पे बारिश होने से, ज़्यादा बारिश होने से एक तो नाला है उधर में, वो नाला में पानी ज़्यादा होने से वो नाला में मछली बहुत आता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग मछली मारता है, कुछ लोग मछली मारता है, तो वही मैं देखने के लिए जाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहना मेरे ब्लॉग में। और घर में नहीं है, इसका पापा भी अभी गया है मछली मारने के लिए। ये दोनों को मैं छोड़ के जाऊंगी सोच रहा है, लेकिन ये मम्मी बोल रही है, देखेगा क्या करेगा। तो यहाँ से मेरे वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग स्कूटी से जाएगा, अभी थोड़ा सा दूर है इसलिए हम लोग स्कूटी से जाएगा। मेता और मोइलोन को भी लेके जा रहा है, वो दोनों वहाँ पे रास्ता में निकल गया। और देखिए हम लोग का रास्ता कितना जंगल हो गया है, यहाँ पे बहुत ही बारिश होते रहता है, धूप बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए बहुत जल्दी घास घूस बड़ा हो जाता है। देखिए ना कितना जंगल हो गया है, यहाँ में दवाई मरा है घास मरने वाला, अभी भी नहीं मरा है। देखिए गाइस, पानी का रंग बदल गया और यहाँ पे एक तो पुराना डोलोंग था वो भी टूट गया है, वो लकड़ी का डोलोंग था, वो कल एक तो पीर आके डोलोंग को ठेल के ले गया है, यहाँ पे खाली हो गया ये डोलोंग तो है। अभी ये डोलोंग तो नहीं जाएगा, ये तो जाने वाला डोलोंग में नहीं है, देखिए टूट के वहाँ पे है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, चलो मेता मोइलोन। ये देखा है टॉमी तो दूसरा का गाड़ी में मुक्त रहा है, ये गाड़ी का मालिक देखने से ना टॉमी को अभी मारना था। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया है नाला में, जहाँ पे मछली मार रहा है आदमी लोग। और यहाँ पे फिलहाल मार रहा है ये दोनों औरत ढिकी जाल, इसको बोलता है ढेकी जाल। तो ये ढेकी जाल तो ऐसे कुछ नहीं मारना है, इसको बस उठाना है ऐसे मछली आने से। अभी देखिएगा उठाएगा, ये देखिए उठाए और जो भी मछली अंदर में घुसता है उसको निकाल के अपना बास्केट में, अपना टोकरी में भरा लेता है, किस कुछ इस तरह से इसको मारता है। और मेट या ओ पर मैं จะ वी मेटा เขาจะปั้นใหม่ทางยังเนี่ยเฮ้ยดีเคีย गाइस कितना लोग मछली देख रहा है। ผมดาลิอายาจุกว่าแล้วตัดเกียร์เราเหล่าหนูเยอะนะเจเฮราเซบเลยดูมาสเตอร์มาสตำรวจเนี่ยใครไปก่อนเลยพี่มาสันตุเบลูนมาสเจเฮราเซบเลยมูริโฮยอาจิมานุเรตุไอ้กินอาจิมูริโฮยมุกคุณคุกกับคุกินบอลอะไรก็ดังออกไปได้มันเดียกันเลยฮะโอ้โหมา
इतना मोरम से फूल गया बोल भाभी ने दिया ना वो भी कम नहीं है ना, मछली ज्यादा मिल रही तो कदर ही नहीं है, पानी में जाने से भी जाने दो, इसी छोटा छोटा मछली सब ये छोटा छोटा से तो घड़ा भर रहे हम लोग। लंगी जाल मारने वाला नहीं है क्या? नहीं। ना करें ना कहाँ रहे लंगी मारने। เอาจังหอดเอาหอดหอดอิ่มหัวกันนะถ้าชาเอาขนาดลงไหมคุณแค่เปรี้ยวตัวเลยเนี่ยแค่ใส่เจ้าอิ่มหัวข้างในก็เหมือนช่องห้อยในอุทานลำโพदेखिए गाइस कितना कितना मछली आ रहा है। कल तो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा था बोला, और बड़ा साइज़ का भी बहुत मिल रहा था बोला। हम तो नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ही बारिश दे रहा था दिन भर, कर ऐसे ही बारिश में आदमी लोग मछली मारा है। तो कितना मछली आया, छोटा छोटा वाला बा我一朋友了嘛呀，没开张哦，跑去。你讲开张，没玩博士。博士给你讲呢。我给我烂好难。啊，他给鸡母吞哪坏呢？讲吞咯，没弱呢。要开一只乌梅拿来扒个阿妹。एक ही बार में दो तीन लोग उठाने पड़ रहे। देखिए कितना मछली है, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। मछुआर माइकी है, इन खतरा न हो लू छाना में ना मन नक मान बा मुगल में पूछ กับเขาเศร้าไม่กันไม่ตายใช้กับเนื้อมือมันโอ้ไปไหนฮะแบบบางแห่งเลยแห่งต่างๆก็มีกันมาเป็นหลายใจนะนี่ก็คนอีกแล้วพาเป็นหลานเซอร์พาเป็นหลานเซอร์สองวันออกมาออกไปแล้วจะปาน้องลงไม่กลุ้มมาเนี่ยนี่ชุ่มไม่มาลากีนะเอาไปถวายเถอะน้ำกี้ง่ายเสียปากออกมาหันหมดเนี่ย
देवी खुश करी वन नुआरा हो जाते हैं मुझे ना है कोई से तो ही तो चल 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 लेते ही सुस्ती की माँ हनुमान आया दिकार มากำมันทุกมากอ่ะอันมาจ้างค่ะเขาจะเอาซ้ายพ่อว่าใครจะต้องทำทำทำไงแบบไม่รู้หมดหมดเนี้ยไม่ทางเขาบอกเลยที่ได้เราเป็นบาไอ้เนี้ยเป็นบามารูมารูพูดเป็นบาเดมัสลีกันเนี้ยแค่นี้है तो इतना मछली है आधा केजी जैसे ही है वहाँ देखो देखो कितना बढ़िया बढ़िया मछली है देखो देखो आज स्वादिष्ट खाना खाने मिलेगा ตอดไงมาว่าऊपर से अभी तो ज़्यादा ही लोग देख रहे देख सकते हैं आप लोग मछली देखने वाला भी कितना है मारने वाला से तो ज़्यादा ही है ৰাতি হলে পুৰা উঠিব देखिए गाइस ये बास्केट में हम पहले आते समय में कितना कम था अभी कुछ ही देर में कितना ज़्यादा हो गया है मछली ओए 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 गोल दे गोल 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 पैसे ना पाना है मैं तो खुली दिखे घुसी जा जाएगा ना और इधर में दिखे मेहता का पापा लोग मारने वाला मछली जो पोथी मछली अलग कर रहा है और दूसरा मछली तो अलग से रख रहा है क्योंकि ये पोथी मछली तो थोड़ा जल्दी ख़राब हो रहा है इसलिए इसको अलग से कर दिया है इसको भी अलग से कर दिया है और मछली तो हर जाल में मिलता है आप लोग देख सकते हैं जितना बार मारने से मछली आता ही है तो
तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया है, तो अभी मछली सफा करने का बारी है। मिता का पापा कितना मछली मिला है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये है पोथी मछली, छोटा छोटा मछली, और ये है टेंगरे वेंगरे, पता नहीं क्या क्या बोलता है। ये देख सकते हैं कितना सारा मिला है, कल भी मिला था, देखिए कितना मछली। और ये है चेंग मांस, गोरोई मांस बोलता है क्या। तो अभी इसको साफा करना है, अभी रात हो गया, अभी हम लोग वापस आए हैं। हाँ चीची बोलो, मछली मछली गाइस को बोलो, हाय गाइस करो, हम मछली साफा करेगा। इसको साफ करके आग में सुखाना पड़ेगा, तो अच्छे से इसको पहले इसका लेटिंग को साफा करना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पानी डाल, ओ एक तो मछली चला गया, अभी यहाँ पे पानी डाल दिया है, तो अभी इसका इसको इसका टट्टी को चेप चेप के फेंकेगा, उसका बाद में इसको सुखाना पड़ेगा, अच्छा से धुलाना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो देखिए गाइस, इसको इस तरह से इसका लेटिंग को निकाल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये तीता होगा। पूरा बारिश देखिए, नाला नदी सब बड़ा हो गया है ना, इसलिए ये नाला में निकला है। जो वो नदी में मारा था ना, वो नाला है, वो छोटा सा नाला है, पथार से धान खेती करने वाला से आने वाला पानी है वो सब। मत पकड़ो, हम मत पकड़ो। मैं कितना अंडा निकलेगा अभी देखिए, ये देखिए अंडा है। अभी ये अंडा देने के लिए नाला सब में पोथार सब में घुसा है, घुसते समय इसको जाल से पकड़ लिया। तो गाइस मेरा वीडियो को यहीं पे एंड करती है। आप लोग को आज का ये फिशिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करने मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नई ब्लॉग के साथ।